हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी में। भौतिक एवं रसायन विज्ञान के एमसीक्यू के पार्ट टू में कुल 40 प्रश्न होंगे। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पार्ट वन देख लिए होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन कुल थे। आपको पसंद आए होंगे वो सभी क्वेश्चन। तो चलिए, ज़्यादा देर न किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि नॉट का उपयोग किया जाता है किसके लिए। इन चार ऑप्शनों को देखना है, सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गति। नॉट का उपयोग किया जाता है गति को नापने के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो। अल्बर्ट आइंस्टीन था एक प्रसिद्ध क्या। आपको बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या था। चिकित्सक था, भौतिक शास्त्री था, या रसायन शास्त्री था, या जीव वैज्ञानिक था। आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्री था। जो अल्बर्ट आइंस्टीन था वो एक भौतिक शास्त्रीज्ञ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अदिश राशि इनमें से कौन है। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कि कौन सा एक अदिश राशि है। इन चारों ऑप्शनों को देखना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। और वीडियो के लास्ट में चल के आपको बताना है कि आप कितने स्कोर कर पाए। तो इसका सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आप लोग चुन लिए होंगे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, ऊर्जा। जो ऊर्जा है वो अदिश राशि है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। इन चार ऑप्शनों को देखना है, सही ऑप्शन को चयन करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा एक सदिश राशि है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप लोग क्वेश्चन का आंसर चुन लिए होंगे इनमें से, कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो त्वरण है वो सदिश राशि है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, तो सदिश राशि इनमें से है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। दाब, कोणीय संवेग, धारा या शक्ति, इन चारों में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। तो अगला प्रश्न है, जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है, कौन सा होता है। इनमें से बताइए आप चारों ऑप्शनों में से कि जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका उपयोग, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इन चार ऑप्शनों को देख के सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब होगा, क्रोनोमीटर जो होता है वो जहाज़ों में समय मापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर से जहाजों का समय मापने के लिए किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। आपको बताना है कि कोणीय वेग की सही इकाई कौन सी है। इन चार ऑप्शनों को देखना है, सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियन सेकेंड जो होता है, रेडियन प्रति सेकेंड जो होता है, ये कोणीय वेग की सही इकाई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपको चुनना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चुन ले होंगे अपना आंसर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है बहुत छोटे समय को मापने के लिए। तो अगर आपको स्पीड में
स्पीड में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? आपको बताना है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.001 मिलीमीटर जो होता है वो एक माइक्रोन के बराबर होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, टीवी का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जेएल बेड जो है ये टीवी के आविष्कारक करता है। जेएल बेड जो है वो टीवी के आविष्कारक है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। इन चार ऑप्शनों को देखना है, सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माक्रोनी जो होता है वो वायरलेस के आविष्कार किए थे माक्रोनी ने। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है? आपको बताना है कि विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो बताइए किस युक्ति के जरिए जाना जाता है विभवांतर को मापने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मापी से विभवांतर मापने के लिए विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मापी से। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? आपको बताना है कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। आपको बताना है पांच ऑप्शनों में से ये क्या नहीं होता है। तो दोस्तों जो अदिश राशि है उसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, और सदिश राशि में दोनों होती है, दिशा भी होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 113 नंबर का, जड़त्व आघूर्ण किसका मात्रक है? आपको बताना है कि जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो किसका मात्रक है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शनों को देखें, सही ऑप्शन का चयन करें। अगर स्पीड में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो पॉज करके वीडियो को अपना क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको बताइए आप लोग कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर। तो अगला है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है दोस्तों तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो इन चार ऑप्शनों को देखिए, सही ऑप्शन का चयन कीजिए और बताइए कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन, ऑप्शन नंबर बी जो है केल्विन वो तापमान का एसआई मात्रक है। तो अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्था का गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। इन चार ऑप्शनों को देखकर सही ऑप्शन का चयन करें और बताइए कि यंग प्रत्यास्था का गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभिमीय राशि है? आपको बताना है कि चार ऑप्शन से देखिए कि कौन सी एक अभिमीय राशि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो विकृति है वो एक अभिमीय राशि है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे? तो आपको बताना है कि जो महान वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज वो किस देश से बिलोंग करते थे, तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस से, जो ग्रीस से आर्किमिडीज संबंधित थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गैलीलियो थे एक, आपको बताना है कि गैलीलियो क्या थे, गैलीलियो ने किसकी खोज की थी और क्या थे। दोस्तों इसका सही जवाब का चयन आप लोग करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, खगोलज्ञ थे गैलीलियो।
तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आपको बताना है कि क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इन चार ऑप्शनों को देख के आपको बताना है कि क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है क्रोनोलॉजी में। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग चयन कीजिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो आपको बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया और उसी के उपलक्ष में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ, तो बताइए किसकी खोज किए थे वो। तो इसका सही जवाब आपको चुनना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट। जो अल्फ्रेड नोबेल हैं इन्होंने डायनामाइट की खोज की, इसी खोज पे नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? आपको बताना है कि थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कितने अच्छे लगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है, आपको बताना है थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लंबवत कोण मापा जाता है थियोडोलाइट से यंत्र। तो अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी। इन चार ऑप्शनों को देखना है, सही ऑप्शन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल की सिद्धांत की खोज की गई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीकी को कहा जाता है। आपको बताना है किसी वस्तु का त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीकी को क्या कहा जाता है। इन चार ऑप्शनों में से देख के सही ऑप्शन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है, तो इसका सही जवाब आपका चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, होलोग्राफी जो होता है वो त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनर्स्थापित करने की तकनीकी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, श्यानता की एसआई की इकाई क्या है? आपको बताना है कि श्यानता की एसआई इकाई क्या है। इन चार ऑप्शनों को देखिए, सही ऑप्शन का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट। दोस्तों अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप पूछ करके अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप स्कोर कितने कर पाए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, केरोसिन मिट्टी का तेल जो होता है इसका अपेक्षित इकाई क्या है? आपको बताना है कि केरोसिन मिट्टी का तेल जो है का अपेक्षित घनत्व इकाई क्या है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये बार बार दोहराने वाले क्वेश्चन हैं, इसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया है। तो आप लोग बताएं केरोसिन मिट्टी का तेल जो होता है वो अपेक्षित घनत्व तो इसकी क्या होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं होती है, इसका घनत्व तो नहीं होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगण का संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगण का संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी। इन चार ऑप्शन को देखना है, सही ऑप्शन का चयन करना है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन नेपियर। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक का संकल्पना जॉन नेपियर ने दिया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? इन चार ऑप्शनों को देखना है, सही ऑप्शन का चयन करना है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोन जो होता है इसके द्वारा पानी के अंदर ध्वनि सुनने का के काम किए जाते हैं। पानी के अंदर की ध्वनि जो सुनना है तो हमें हाइड्रोफोन का उपयोग करना होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा थर्मामीटर का उपयोग होता है 2000
सेंटीग्रेड मापने हेतु। तो इसका सही जवाब आपको बताना है चार ऑप्शनों को देख के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण पैरोमीटर थर्मामीटर से 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयोग किए जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको बताना है ये वाले क्वेश्चन का आंसर कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। इन चार ऑप्शनों को देख के सही ऑप्शन का चयन करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग चयन कर लिए होंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगर 0.39 से गुणा करने पर करेंगे तो हम लोगों को इंच प्राप्त हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित SI इंटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से देख के SI मात्रक हैं ये और कौन सुमेलित नहीं है। इन चार ऑप्शनों को देख के सही ऑप्शन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो दाब होता है वो डाई नहीं इसका पास्कल होता है। बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दाब का जो होता है पास्कल होता है, डाई नहीं होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। इन चार ऑप्शनों को देख के सही ऑप्शन का बताना है। भूकंप की तीव्रता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है इन चार ऑप्शनों में से। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग बताएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों को देख के दोस्तों कि पायर हेलियोमीटर जो होता है उससे क्या नापा जाता है। इन चार ऑप्शनों को देखें, सही ऑप्शन का चयन करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि मैं ऐसे ही वीडियो से आपको रूबरू कराता रहूं। तो बताइए कि पायर हेलियोमीटर के से क्या नापा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन जो होता है वो पायर हेलियोमीटर से नापा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए यूपी लोअर में आया है कि 2015 में ये क्वेश्चन, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इन चार ऑप्शनों को देखें और सही ऑप्शन का चयन करें। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एमीटर। जो ओडोमीटर होता है वाहनों की पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, ये सही है। ओडोमीटर जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये भी सही है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र है, ये भी सही है। लेकिन एमीटर जो होता है ये विद्युत शक्ति का मापक यंत्र नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। इन चार ऑप्शनों को देखें और सही ऑप्शन का चयन करें। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। बताना है आपको कि दूध के घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाएगा। इन चार ऑप्शनों को देखें, सही ऑप्शन का चयन करें। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे। आपको बताना है कि जूल जो है ऊर्जा से संबंधित है, उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल संबंधित है। तो पास्कल बताना है आपको कि पास्कल से कौन सा संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव। जो दबाव होता है वो पास्कल उसका इकाई होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो बताना है आपको कि वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है। इन चार ऑप्शनों को देखना है, सही ऑप्शनों का चयन करना है। तो
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया इनको? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? तो इन चार ऑप्शनों को देखें, सही ऑप्शन का चयन करें। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? आपको बताना है कि पायरोमीटर किसे कहा जाता है। इन चार ऑप्शनों को देख के आपका सही ऑप्शन का चयन करना है और बताना है कि पायरोमीटर किसे कहा जाता है इन चार ऑप्शनों में से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? आपको बताना है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। इन चार ऑप्शनों को देखें, सही ऑप्शन का चयन करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटीग्रेड जो होता है एक ऊष्मा की इकाई नहीं होती है ये। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलहेलम राटेंजन द्वारा किया गया था? दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से देंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। आप जरूर बताएं कि निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलहेलम राटेंजन द्वारा किया गया। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका अपना चैनल डी एस एकेडमी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।